अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो आज क्या होने लगा है? आज मैं आपको बताती हूँ, मैंने खाना बनाना था तो नदीम ने मुझे कहा कि मैं आज खुद खाना बनाऊंगा, आपकी छुट्टी है। तो मैं अभी आराम से सोफे पे बैठी हूँ, मैंने कहा चले आज नदीम को खाने की ज़रा ट्रायल दी जाती है। आज नदीम खाना पकाएंगे और मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप तो ओबियसली ये नहीं पिक करूंगी स्कूल से। इंशाल्लाह तआला होपफुली खाना रेडी होगा, दिखाते हैं आपको कि क्या बन रहा है आज। और इंशाल्लाह तआला बाकी के जो जो छोटे छोटे क्लिप होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत कलर्स लगते हैं, स्नैप फिशेस कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये हमारे दो नन्हे चुन्ने मुन्ने, मैं इनको चुन्ने मुन्नू कहती हूँ, जॉन फ्लेशर न्यूटेला बेला कहते हैं, मैं इनको चुन मुनू कहते हैं। आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, मेरे पास नहीं आते, पता क्यों? क्योंकि मैं डरती हूँ, ये भी डरते हैं। ये दोनों मुझसे डरते हैं, मैं इनसे डरती हूँ, लगे चट्टे चट्टे से है। चुन मुन्नू अभी खाना खा के लोग आराम से पानी शानी पी के आराम से बैठे हुए हैं। चलें जब किचन में चलते हैं और आपको नदीम की सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन पड़ा हुआ है जो कि डीप फ्रोज कर लिया गया है, वहाँ प्याज कट रहे हैं, ये टमाटर है। क्या बनाया जा रहा आज? आज मैंने कहा फिजा को, मैं कहा चिल कर, रात तो तेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1K और ये पार्टी हमारी तरफ से। आज चिल पिल का मौसम है जी, माहौल चिल पिल का है। तो अभी आपको बाहर दिखाते हैं, आज थोड़ी अच्छी वाली धूप निकली है, थोड़ी अच्छी वाली, ज्यादा अच्छी वाली नहीं, क्योंकि इनके मौसम का कोई पता नहीं होता। ये देखिए जी, काफी अच्छा जो ना कहते हैं इस वक्त, लेकिन सर्दी भी है, धूप है, अंकल भी धूप के अंदर। तो चले जैसे थोड़ा सा आगे प्रोसेस करते खाने का, तो भी आपके साथ शेयर करते। क्यों नदीम? बना रहा हूँ मैं कढ़ाई। हाँ जी, अपने लॉरी स्टाइल में। आप इंग्रेडिएंट बताएंगे कि बस बनाएंगे? एक्चुअली मेरी इंग्रेडिएंट सारी मिक्स होती है, मैं सच्ची बताऊँ। अच्छा। मैं फिश की तरह नहीं हूँ, मेरे पास जो मसाले नजर आएंगे मैं मिक्स कर देता हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं अच्छी बनती है। हाँ। लेकिन असल में पता क्या, जिस तरह फेज बनाती है वो हर एक को लाइक टाइम दे के हर चीज का, वो उस तरह मुझे नहीं आता बनाना। अच्छा, व्यूअर्स वो वाली जो बोतल है ना पीछे आपको नजर आ रही, वो मैं हमेशा हाइड कर देती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, आज वो वहां पड़ी हुई है, वो मैं छुपा देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने व्यूअर्स को दिखानी है ना, ये हमारे 30 व्लॉग्स हो चुके हैं और 30 में मेरे ख्याल से ये आई थिंक सेकंड टाइम व्यूज देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, अगरबत्ती आ गई घर में। मैंने कहा मैं भी अपनी शक्ल खुशी वाली दिखाऊंगी, आज मेरी छुट्टी खाना पकाने से ही देख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया चीजें पड़ी हुई है, और मैंने सोचा कि चले अब खाना रेडी तो बाकी ये इनका फेवरेट जनन करते चम्मच है ये वाला। यस, ये हाँ, ये डोई डोई ये सबसे मेरा फेवरेट है, ये इनकी फेवरेट है। ये फेस तो बहुत ज्यादा चीजें यूज करती है, मैं सिर्फ एक ही डोई और वो है पाकिस्तानी डोई। चेक करें आप स्टाइल उसकी, पता है कितनी पुरानी है ये, बहुत पुरानी डोई। इससे बड़े काम होते हैं, इससे बहुत बदले लिए जा सकते। चलें अभी आप क्या स्टेप करने लगे, वो तो खाते हैं। हमने जी पहले प्याज को चॉप कर दिया है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद मैंने ऑयल डाला है, ऑयल के बाद मैंने प्याज को उस ऑयल में डाल दिया है, कढ़ाई वाली जो प्लेस होती है। और अब थोड़ा भूनेंगे और प्याज को, और टमाटर मेरे पास दो है, दो प्याज दिए, दो टमाटर, एक प्याज, सब्ज मिर्च एक, और ये क्या कहते हैं, ये भी मोटी मिर्च, मोटी मिर्च एक। ये था इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड करना, मसाले में बाद में आपको दिखाऊंगा। चलें जी बताएं कहाँ तक प्रोसेस पहुंचे नदीम साहब। नहीं जी, हमने प्याज को चॉप कर दिया था, उसके बाद प्याज को मैंने ऑयल में डाल के थोड़ा ये कहते हैं भूनना, सोता किया, हल्का हल्का नरम हो गया, वो देखना थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया प्याज, और इसमें डालेंगे चिकन जी, और चिकन को करेंगे ब्राउन। और उसके बाद जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज की है वो ये है कि मैंने टमाटर जो है, बच्चे जो हमारे जो बड़े फंसी है इस चीज में, वो कहते टमाटर वाली हंडी नहीं खानी, हालांकि हर चीज टमाटर नहीं, बेसिकली हाँ, हम क्या करते हैं टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी मैंने हंडी बनानी मैं टमाटर को लाजमी ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं, धनिया उनको पसंद नहीं, टमाटर तो ये सबसे बेस्ट भी होता है। आप टमाटर लें, उनको ग्राइंड करें, और इजी वे। ये तरीका मैंने पिज्जा से सीखा हुआ है बेसिकली। मेरी हाइट थोड़ी अजीब है आपके साथ। अच्छा, मैं छोटी हूं, तो मैंने ये तरीका पिज्जा से सीखा था। पहले मैं जब बनाता था ना, मैं मतलब सच्ची बताऊँ, मैं प्याज में सब कुछ डाल डोल के ना उसको भूनता रहता भूनता रहता। फिर फेज ने बताया कि आपका चिकन वाइट होता है, उसका रीजन क्या है, वो मैंने इससे सीखा था।
अगर चिकन को ब्राउन करना है तो प्याज को ब्राउन करें, बिल्कुल तो उसमें चिकन को भूने तो वो कलर चेंज हो जाता है चिकन का, ये चीज मैंने फिर से सीखी हुई है। चलें जी अभी देखें प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे चिकन नूडल की जो रेसिपी वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप से जो भी करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पता चले लारी कढ़ाई खाई है, पता चलेगा जिन्हें। अब इसकी बुनाई करेंगे और जो आपका आगे है प्रोसेस वो करें, क्योंकि मेरा तरीका जरा डिफरेंट है बनाने का, यदीम साहब का अपना तरीका है। जैसी बात है यार, मैं प्रोफेशनल हूँ और आप मुझसे सीख रही हो। देखिए व्यूअर्स आप ये बताइएगा जरूर मैं सिखाता हूँ। तो बाकी अब क्या डालना है जी इसमें? मेरी ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी, लेकिन ये कि अब इसकी बुनाई है और इंशाल्लाह बुनाई के बाद ये कढ़ाई हमारी रेडी होगी। अभी हालांकि मैंने बुनाई नहीं की है, देखे रंग देखे जरा चेक करें कढ़ाई का, कढ़ाई का रंग दिखाएं यार ऐसे ना। ये देखिए जी कढ़ाई का कलर, कलर तो अच्छा, कलर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चले जी अब इसकी बुनाई करेंगे नदीम, और जो भी नदीम का आगे है प्रोसेस वो करेंगे और खाना इंशाल्लाह तो रेडी होगा। मेरा काम ये है कि आज बच्चों को स्कूल से लेके आना, जाके बस टाइम होने वाला है, तो ये आज जरा जल्दी प्रोसेस किए खाने का, एक दो काम थे इसलिए मैंने कहा चले खाना रेडी हो जाएगा, तो चले मिलते हैं। और मेरी छुट्टी है आज, मैं नहीं जा रहा बच्चों को पिक करने के लिए, मैंने कहा मैं हांडी और आप बांडी। बांडी नहीं, आप बाहर का काम मैं अंदर का काम। चले जी मिलते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा जी मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ बैठ के ज़रा रेस्ट किया जाए, क्योंकि वदीम आपको पता है जैसे कि दिखाया कुकिंग कर रहे हैं। तो मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि आप बताएं स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट्स अच्छी सी, तो जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका क्या रिज़ल्ट है, और एक दो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं मैं इंशाल्लाह तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे शूट करके मेरी बड़ी ये चुनु मुनु देखें कैसे ऊँची ऊँची बोल रहे हैं, इनको लगी है भूख शायद, और ये अब शोर डालेंगे और बात नहीं करने देंगे। तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं मुझे सूट कर गई, मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है तो वो मुझे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग में मुझे सूट कर गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी ज़रूर। तो बाकी आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करेंगे, प्रोडक्ट्स हैं फिर मेकअप जो मेरे पास है वो भी शेयर करेंगे जी। मैं जॉन को पिक करनी आई स्कूल से, तो नदीम को आज जैसे आपको पता है कुकिंग का जरा शौक जड़ा हुआ है, कुकिंग कर रहे थे, मैंने कहा चले मैं जाके जॉन को पिक कर लेती हूँ, जॉन को पिक करके उसको ड्रॉप करेंगे, फिर फ्लिशा को पिक करना है स्कूल से, तो इंशाल्लाह ताला भी आता है जॉन आपके इस्लाम दुआ कराते हैं उससे भी, और इंशाल्लाह उसको लेके फिर उसको घर जाएंगे लेके, फिर फ्लिशा को पिक करेंगे, फिर आपको जाके घर जाके फाइनल लुक दिखाएंगे चिकन की जो नदीम ने बनाया। Welcome everybody. How you doing? लो जी जॉन आ गए स्कूल से, अब जॉन को पिक करके घर लेके, जॉन घर जाना कि पहले अपनी को पिक कर ले? घर चले, घर चलना जी, घर जाएंगे और घर जाके जॉन साहब रिलैक्स होंगे, फिर फ्लिशा अपनी को पिक करेंगे। फ्लिशा का टाइम डिफरेंट है स्कूल का, जॉन का डिफरेंट है, जॉन जल्दी आता है, फ्लिशा थोड़ी लेट आती, तो अब इसको ड्रॉप करते हैं घर और फिर उसके बाद फ्लिशा को पिक करते हैं और फिर इंशाल्लाह घर जाके मुलाकात करते हैं। जॉन यहाँ से भी मेरा जॉन शॉपिंग ये ग्रोसरी शॉप पे है, तो जॉन ये टाकिस खा रहा है, एक खिजर भाई का जॉन फ्लिशा को एक आपका है, ठीक है, और आपकी ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी स्वीट्स लगी हुई है, एक आपी का ये स्वीट्स ली, एक आपी का और एक इसके, मैंने ये इनके लिए रखे, ये मैंने डोरिटो ली है बच्चों के लिए। जॉन हैप्पी हो गए? चलो हाँ जी, यहाँ से अब लेना है नान, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमने रोटी नहीं, हमने नान के साथ खाना है। वो बोला ये बोला लेना ना एक पैकेट, हाँ एक पैकेट, एक और ले लो, एक और ले लो ना, ये यहाँ पे देखिए ये सारी ग्रोसरी की ये निम्को वगैरह जो खाते हैं स्नैक्स वगैरह ये सारे वो पड़े हैं सारे, इधर केक रस बिस्किट्स खानी सब उधर। हाँ जी बेटा इस ओके काम आ जाएंगे ना बाद में, चले वो सामने गोश्त की एरिया, ये सारा खाने पीने का ग्रोसरी वगैरह जो होती है, ये देखिए बिस्किट्स कितनी वैरायटी है, लेकिन जो पाकिस्तान के बिस्किट्स का मज़ा ना वो यहाँ मज़ा नहीं। चले जी हाँ पीनट बटन बच्चों को पसंद है, चले जी ये पे करते हैं और फिर इंशाल्लाह फ्लिशा को पिक करते हैं और घर चलते हैं। ले जी फ्लिशा भी आ गई खैर से स्कूल से, आते साथ ही चुनु मुनु की खाने की तैयारी शुरू हो गई। क्या कर रही हो फ्लिशा, सलाम अलैकुम करें फ्लिशा,
देखे हम चुनू मुनू दिखाते हैं आपको साथ साथ पीछे और चुनू मुनू दिखाओ देखे कैसे फीट कर रही है प्लीज प्लीज दिखाओ वो चुनू मुनू को देखे कैसे फीट कर रही है थोड़ा आप इधर हो ना तुमको नजर आए चुनू मुनू कैसे फीड हो रहे पानी पिला रही हो सर जिसे कहते हैं इंजेक्शन तक वो अच्छा अच्छा ये ऐसे पीते हैं जी पानी उसका पी नहीं रहे पानी अब भी देखे चुनू मुनू आई कैसे ये देखे जी चुनू मुनू पिलाओ इनको पानी ये देखे जी इस रेस्टोरेंट में थोड़ा सा ड्रॉप डाल के और दोनों को पिलाती है वो जो ना वो पीती नहीं है बेला और नुटेला पी लेती है वो नोटी है वो पता नहीं क्यों नहीं पीती चलें जी आज वो दिखाते हैं हम आपको नदीम क्या कर रहे हैं कहाँ तक पहुँचे हैं जॉन साहब ये बैठे हैं आते साथ ही टैब पे अपनी टॉफियां जो लेके आए शॉप से वो फ्लिशा की उधर पड़ी हैं और इधर नदीम क्या कर रहे हैं एंड जी नदीम लो जी आपके आने तक मैंने हम पहले शक्ल दिखाए फिर हम अपना फ्रंट कैमरा शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है ले जी देखे प्याज ग्रीन प्याज जला हुआ हरी मिर्चे बड़ी बड़ी ऊपर क्या बात है जी ले जी कढ़ाई रेडी और चेक करें आप जरा प्रॉपर यार मसाला इसको क्या कहते हैं तरी तरी तो तरी जी ऊपर आई रही बेहतरीन अब खाना तैयार है और इंशाल्लाह जब अच्छा भूख लग गई अभी आज जुम्मे रात है जी जुम्मे रात को हम खत्म दिलाते हैं तो इंशाल्लाह ताला बस ये खाना रेडी है अब खत्म भी ठहर के दिलाएंगे ये देखिए जी साइड पे रख दी है चले जी डन हाँ जी अब सफाई करनी है चूल्हे की कि मैंने आपके चूल्हा साफ कर दिया था चले अच्छा जी शुक्र है ये देखे जी मैं भी जरा अपने हाथ मार दूं लो जी हांडी रेडी कढ़ाई रेडी है और हम खुदाफिज करने लगे थे आपको तो मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग तो करूं कैसे करती हैं चले जी इंशाल्लाह ताला अब ये नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे चिकन तैयार है आपको दिखाया मैंने सारा तो बनाया तो नदीम ने लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स साथ ऐड किए हैं तो अब बच्चे आ गए हैं बच्चे आपको पता है कि अब छोटे छोटे शौक किए बना दे ये कर दे वो कर दे तो बच्चों के साथ थोड़ा देखते हैं उन्होंने क्या खाना वगैरह तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अगले ब्लॉग मिलेंगे खुदा हाफिज़ एवरीवन।